तो दोस्तों, अगर आपको शिहुला हुई है या सफ़ेद दाग हुई है और इस सफ़ेद दाग के इलाज के लिए आप इस कार्पिन लोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों आप थोड़ा सा वक्त रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों आप ये नहीं चाहेंगे कि आपको एक गलती की वजह से आपको सारे ज़िंदगी पछताना पड़े। जी हाँ, कार्पिन लोशन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप थोड़ा सा वक्त रुक जाइए, क्योंकि आपको एक गलती की वजह से आपको सारे ज़िंदगी रोना पड़ सकता है। आपका आपका स्क्रीन को हमेशा के लिए खोना पड़ सकता है, आपका चेहरा को हमेशा के लिए खोना पड़ सकता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि कार्पिन लोशन ऐसा एक दवाया है जिस दवा के इस्तेमाल से दोस्तों हम जो है सफ़ेद दाग से हमें इलाज मिलती है, लेकिन इस कार्पिन लोशन का अगर आप सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते तो दोस्तों आपको इससे इलाज तो दूर की बात आपको और फैल सकते हैं, आपको दूसरी कोई बीमारी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं आप लोगों को इस दवाई के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं इस दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सफ़ेद दाग मुझे भी हुई थी और यहाँ से मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी मिल चुकी है। दोस्तों आज जब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स की एक कहानी है जहाँ से दोस्तों मैं सीख लिया हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप भी अगर इससे कार्पिन लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको एक गलती होता है, एक गलती की वजह से, और सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं। अगर आप भी करते हैं तो दोस्तों आपको सारी ज़िंदगी के लिए रोना पड़ सकता है। तो बात यह है कि दोस्तों अगर आप कार्पिन लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तीन ऐसा रूल्स है जो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो दोस्तों आपको इससे इलाज तो नहीं मिलेगा, आपको और फैल सकता है, आपको दूसरी कोई बीमारी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो सर तीन रूल्स क्या है, क्या क्या हमें मानना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले मैं आप लोग एक नंबर में बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कार्पिन लोशन का इस्तेमाल करते, जब भी इस कार्पिन लोशन आप इस्तेमाल करें, यूज करें अपने चेहरे पर, आपका स्किन पर, तो आप सिर्फ 2-3 घंटा आप धूप में मत जाइएगा, यानी सन लाइट पर मत जाइएगा। कि अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद अगर आप धूप में जाती है या सन लाइट पर जाती है तो दोस्तों आपको जो है इससे दवाई के इलाज तो मिलेगा ही नहीं, और ज़्यादा आपको इफेक्ट होगा, आपको और ज़्यादा फैल जाएगा आपका स्किन पर, आपका सिस्टम पर। क्योंकि इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद अगर आप धूप पर जाते हैं तो इससे और दूसरा बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों ऐसा मेरे एक फ्रेंड्स के साथ हुआ है, क्योंकि वो उनको सबसे पहले से सफ़ेद दाग था, तो सफ़ेद दाग के इलाज के लिए वो इस कार्पिन लोशन का इस्तेमाल कर रहा था। तो इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों वो अचानक से एक दिन धूप में गया और सन लाइट पर जाने के बाद दोस्तों उससे खुजली हो रहा था। खुजली होने के बाद वो घर में जब लौटा तो देखा कि चेहरे पर और फैल गई है और इससे दूसरी एक बीमारी भी हो चुकी है। रूल्स नंबर 2, अगर आप इस कार्पिन लोशन का इस्तेमाल करती है तो जब इस कार्पिन लोशन का आप इस्तेमाल करें अपना चेहरे पर लेते हैं दोस्तों, उस वक्त आपको अगर ज़्यादा गर्मी है, आपका शरीर से पसीना निकलते, आपका चेहरे पर पसीना निकलते दोस्तों, अब तब जो है आप इस कार्पिन लोशन का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको ज़्यादा गर्मी आती है, आपको फैन नहीं रहते, एसी नहीं रहते, आपका शरीर से आपका चेहरा से ज़्यादा पसीना निकलते हुए दोस्तों, उस वक्त आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए, आप पानी से धो लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपका जिसम से अगर पसीना निकलते है, पसीना से इससे जो दवाइयाँ है कार्पिन लोशन, इससे रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद दोस्तों आपका जिसम पर, आपका चेहरे पर खुजली होती है, और खुजली होने के बाद वहाँ से भी दोस्तों आपको इलाज तो नहीं मिलती, उल्टी आपको जो है इससे बीमारी और भी फैलती है और आपको जो है दूसरे बीमारी हो जाते हैं जिस बीमार का कोई इलाज नहीं होता है। और स्किन पर आपको मालूम है कि एक बीमार अगर होती है तो वहाँ से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों रूल्स नंबर 3, अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद अगले दिन, अगर आप रात को इस्तेमाल करते हैं तो रात में इस्तेमाल करने के बाद अगले दिन सुबह जब आप इस मुंह धोने जाएंगे या आपका चेहरा को आप नहाने जाएंगे तो कभी भी भूल कर भी आपका डॉव, बीवेल या निरमा ऐसा कोई आप पावरफुल साबुन का इस्तेमाल मत कीजिए। आप इस्तेमाल कीजिए जैसा आपको डेटॉल है, डेटॉल ही इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप पावरफुल साबुन का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपको जो है ऐसे आपको चेहरे पर बहुत ही नुकसान हो सकता है। आपका चेहरे का जो ऊपरी भाग में, आप ऊपरी हिस्से में जो एक ब्राइटनेस रहती है, जो टोन रहती है, वो आपको हमेशा के लिए खोना पड़ सकते हैं। जी हाँ, इस तीन रूल्स अगर आप मानते हैं तो मानने के बाद अगर आप इस कार्पिन लोशन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ये 100% काम करती है। आपको शिहुला या सफ़ेद दाग अगर आपको हुई है तो इस दवाई का इस्तेमाल से आपको जल्द ही ख़त्म कर जाएगा, यानी इलाज मिलेगी। दोस्तों यह 3 रूल्स आप मान लीजिएगा, वरना आपको जो है लाइफ टाइम के लिए इसे रोना पड़ सकती है, आपको पछताना पड़ सकते है। तो आपको सजेशन में यही करूँगा कि अगर आप आपको सफ़ेद दाग हुई है और आप इस कार्पिन लोशन का इस्तेमाल करती है तो आप जो है दोस्तों आप सिर्फ रात में ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप धूप में यानी दिन में कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्योंकि जो दिन में इस्तेमाल करने से अगर ज़्यादा गर्मी रहती है या आप धूप में कभी जाना पड़ता है तो आपको नुकसान हो सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप इस कार्पिन लोशन का इस्तेमाल करती है तो आप कभी भी दिन में मत कीजिएगा, सिर्फ रात में ही कीजिएगा।
तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि भाई मुझे कार्पिन लोशन नहीं मिल रहे, हमारे यहाँ पर कार्पिन लोशन नहीं मिल रहे। दोस्तों इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे सकूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि ऑनलाइन से आप कार्पिन लोशन को कैसे खरीद सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन से बहुत आसानी से कार्पिन लोशन को खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूँ, आप वहाँ से ले सकते हो।